ना सामने आई है जहां पर मारपीट की घटना है जो डीलर और ये आम लोग के बीच में, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो सर यही बोले हैं कि जनता अगर हमको चुना है तो हम तो चाहेंगे कि मेरे जनता को, एक जनता को हक मिलना चाहिए। जहां तक ये घटना है घोर मैं निंदा करता हूं और मैं सब वार्ड सदस्य मुखिया जिसे हम बोलना चाहता हूं कि इस घटना को बढ़िया जानकारी लेते हुए अगर आपको कार्रवाई हो। आखिर ऐसा क्यों होता है कि जन वितरण प्रणाली पर अक्सर लड़ाई होती रहती है? लड़ाई होती है सर इसलिए कि इसमें लोग कोई जनप्रतिनिधि ध्यान देते नहीं है। हम लोग के वार्ड सदस्य आए हैं, जैसे हमारे 4 नंबर के वार्ड सदस्य हैं चंद्रशेखर जी, मैं गोपाल गुप्ता हूँ, 3 नंबर के ब्रजेश पासवान जी हैं, सभी लोग चुन के हम लोग आए हुए हैं। और जनता का लगभग अभी 4th घटना है जो कि 3 घटना को हम निस्वाद कर चुके हैं। पहले का जो घटना हुआ था जैसे मतलब कम दिया जा रहा था, हम मुखिया जी से बोल के, एमओ सर को बोल के हम लोग सामान दिलवाए। इनका जो घटना है तो हम लोग बहुत निंदा करते हैं, इनको अपना हक मिलना चाहिए। बार बार ऐसी घटना होती है तो आप लोग एक्शन क्या ले रहे हैं? एक्शन ले रहे हैं कि हम मुखिया जी के भी बोले हैं, मुखिया जी बोले हैं कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे, एमओ सर को बोले कार्रवाई करेंगे, एसडीएम सर से बात हुई है, एसडीएम सर बोले हैं कि एप्लीकेशन देने के लिए। समस्या हुई आपके साथ? हम गए राशन नहीं दिया, लेकर राशन नहीं दिया तो हम गए फिर वार्ड कमिश्नर लिखा, वार्ड कमिश्नर का नाम सहित बताइए। गोपाल जी हैं, उनके यहाँ गए, वो बोले कि ठीक है यहाँ नहीं दिया राशन तो चलो बोलो हम आपको लेके चलते हैं। वहाँ गए तो वो एम ओ साहब लिख के हमको दिए, वहाँ से फिर लिखने के बाद में हम गए उनके पास में। एम ओ साहब क्या लिख के दिए? राशन के लिए। कितना देने के लिए? कि फ्री वाला 40 किलो और 35 किलो अथी वाला दिए कार्ड वाला, टोटल 75 किलो। 75 किलो को देने के बाद में जब हम गए उनको बताने के लिए कि एमओ साहब लिख के दिए हमको राशन दीजिए, तो राशन देने के बाद वो बोलता है कि नहीं हमके पास में राशन नहीं है तो तुम दूसरे जगह उठा लो जाके। इसका बाद में फिर बोला कि से नहीं से हम तुमको सबको मदद करते हैं तैयो आँख में पानी नहीं रहता। इसका बाद में उसका भाई मारा एक थप्पड़ और सब सब बात भी बोल दिया। इसलिए के फिर हम आए तो फिर एमओ साहब को फोन किए, उसके बाद में जैसे होगा वैसे हम कंप्लेंट करें। अभी तक किन किन को आपने सूचना दिया? अभी तक मैं मान के चलिए कि मुखिया जी के भी कह दिए, सरपंच भी साहब को कह दिए, और मेरी जो वार्ड कमिश्नर है उनको भी कह दिए। आपके डीलर कौन हुए? उमेश राजकुमार गुप्ता हुआ।